अब हमारे पास फॉर सपोज एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये एक फंक्शन है, तो इसके अंदर जो ये वाला पॉइंट है और जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम कहेंगे एक्सट्रीम, जिसमें जो ये वाला पॉइंट है वो है मैक्सिमम और जो ये वाला पॉइंट है वो है मिनिमम। सो फॉर सपोज इसका नाम हमने ए रखा है, इसका नाम हमने बी रखा है। तो ए जो है वो है एक्स वन वाई वन और बी जो है वो है एक्स टू वाई टू। समझ में आ रही बात? तो ए हो गया एक्स वन वाई वन और बी हो गया एक्स टू वाई टू। अब हमें पता है इस डायग्राम से कि ए जो है वो मैक्सिमम है और बी जो है वो मिनिमम है। एक सेकेंड रुकिएगा। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि जो वाई वन वाई टू है इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज। जो इसमें एक्स वन एक्स टू हैं उनको हम कहते हैं रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यूज। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो वाई वन है उसको हम कहेंगे मैक्सिमा, जो वाई टू है उसको हम क्या कहेंगे मिनिमा, जो हमारे पास एक्स वन है उसको हम कहेंगे रिलेटिव मैक्सिमम और जो एक्स टू है उसको हम कहेंगे रिलेटिव मिनिमम। ये बात समझ में आ गई? अब यहां पर देखिए कि जनाब ये मैंने बनाया है मैक्सिमम का नक्शा और ये यहां पर बनाया है मैंने मिनिमम का नक्शा। तो अब अगर आप मैक्सिमम पॉइंट की बात करें या मिनिमम पॉइंट की बात करें, दोनों पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब जो इस पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है वो कितनी होगी? जीरो होगी। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज, अगर आपने एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पुट डी वाई बाई डी एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो टू फाइंड एक्स। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। उसके बाद
हम मैक्सिमम के बाद अगर देखते हैं तो वैल्यू नीचे की तरफ बढ़ेगी और ये ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो जब आप किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो बताता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन जब आप किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो उसका पैटर्न बताता है कि आइदर इट इज गोइंग टू डिक्रीज और आइदर इट इज गोइंग टू इंक्रीज। तो इसका मतलब जब मैं यहां पर डबल डेरिवेटिव निकालूंगा इस पॉइंट पे तो मुझे ये बताएगा कि इसके बाद फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब जो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी, मतलब जीरो से लेसर आएगी। और यहां पर जो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है वो क्या आएगी जनाब, ग्रेटर देन जीरो आएगी, इसका मतलब जो कि इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब सेकंड पॉइंट क्या मिला मेरा कि पुट एक्स इन एफ डबल डैश ऑफ एक्स, जिसमें एफ डबल डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो भी हो सकता है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है। लेस देन जीरो का मतलब है कि फंक्शन डिक्रीज करता है, और डिक्रीज हमेशा करता है वो मैक्सिमम के बाद, और इंक्रीज करता है हमेशा मिनिमम के बाद। तो आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, डिक्रीज, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो जनाब हमारे पास दो बातें बनी कि अगर हम बात करें डिक्रीज की और अगर हम बात करें इंक्रीज की, तो डिक्रीज हमारे पास कब करेगा, आफ्टर मैक्सिमम या फिर बिफोर मिनिमम। बिफोर मिनिमम भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कब करेगा, आफ्टर मिनिमम और बिफोर मैक्सिमम, जबकि डबल डेरिवेटिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसका बताएगा, आफ्टर का बताएगा। डबल डेरिवेटिव जो है वो बिफोर का कभी नहीं बताएगा। सर कोई कंडीशन है ऐसी कि जब मैक्स और मिनिमम दोनों जनरेट ना हो फंक्शन के? हाँ बिल्कुल है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स जीरो आ जाए तो इसका मतलब होता है नाइदर मैक्स नॉर मिनिमम। और जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम, तो आप क्या करोगे, पुट एक्स इन एफ ऑफ एक्स, तो यहां से आपको एक्सट्रीम वैल्यूज मिल जाएंगी। ये बात समझ में आ गई सबको? इसकी एग्जांपल दूंगा मैं आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। f of x है हमारे पास 1/3 x क्यूब माइनस 5/2 x स्क्वायर और माइनस 6x प्लस 1। आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसका डेरिवेटिव। जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे जनाब, ये आएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6
और जब मैं इसको जीरो पुट करूंगा तो यहां से मिलेंगे मुझे दो आंसर, एक मिलेगा जनाब 6 और एक मिलेगा -1। तो मेरे पास आ गए दो आंसर्स। अब मैं निकालूंगा जनाब इसका डबल डेरिवेटिव। जब मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकालूंगा वो कितना आएगा जनाब, वो आएगा 2x-5। अब यहां पर भी जो है ना मेरे पास दो वैल्यूज हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा एफ डबल डैश ऑफ 6 निकालूंगा, ये हो जाएगा 2 × 6 - 5, तो 12 - 5 बनेगा जनाब 7, और 7 जो है वो क्या है जनाब ग्रेटर देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 है तो इसका क्या मतलब हुआ कि एट x इक्वल टू 6 जो f ऑफ x है वो क्या होगा जनाब मिनिमम होगा। मिनिमम क्यों है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कब करता है, मिनिमम के बाद करता है, ठीक है जी। इंक्रीज कब करता है, मिनिमम के बात करता है। अब आ जाइए जनाब एफ डबल डैश ऑफ -1, तो ये जाएगा 2 × -1 - 5, तो ये हो जाएगा -7। -7 क्या है जनाब लेस देन 0, तो इसका मतलब क्या है कि एट x इक्वल टू -1 जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या होगा जनाब मैक्सिमम होगा, क्योंकि लेस देन 0 का क्या मतलब है कि ये डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज कब करता है मैक्सिमम के बाद। अच्छा जी, जब हमें कंफर्म हो गया तो फिर हम हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास है एक वैल्यू मैक्सिमा, तो मैक्सिमा जो हमारे पास किस पे आएगा वो आएगा जनाब -1 पे। तो इन शॉर्ट हम निकाल लेंगे एफ ऑफ -1, और एफ ऑफ -1 कैसे आएगा कि मेन फंक्शन जो था हमारे पास था 1/3 - 1³ - 5/2 - 1² - 6 × -1 + 1, यहाँ से आंसर निकाल लीजिए, वो मैक्सिमम होगा आपका। इसी तरीके से अब आपने क्या निकालना है, मिनिमा निकालना है, तो मिनिमा में क्या होगा एफ ऑफ 6 निकालेंगे आप। एफ ऑफ 6 निकालेंगे तो क्या होगा जनाब 1/3 6³ - 5/2 6² - 6 × 6 + 1, और यहां से जो आंसर आएगा जनाब वो इसका मिनिमा कहलाएगा। अच्छा जी, अब आपसे मैं पूछूं कि ये इंक्रीज कब कर रहा है और ये डिक्रीज कब कर रहा है, तो इंक्रीज कब करता है, इंक्रीज मैंने आपको बताया था कि कब करता है, जरा दोबारा देखते हैं। हाँ भाई, इंक्रीज कब करता है, मिनिमम के बाद मैक्सिमम से पहले, मिनिमम के बाद मैक्सिमम से पहले। तो मिनिमम क्या है हमारा 6, तो मिनिमम के बाद x ग्रेटर देन 6, मैक्सिमम से पहले x लेस देन -1, इस पे ये इंक्रीज करेगा। तो 6 से बड़ी वैल्यू पे इंक्रीज करेगा, तो इसको हम लिखेंगे x ग्रेटर देन 6 और लेस देन -1। ये तरीका है लिखने का इसको, कि इसके अंदर जो है वो आपका फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और कैसे लिख सकते हैं इसको, अगर आपने फंक्शन का चैप्टर पढ़ लिया है तो अब आपको पता होगा कि इसको कैसे लिखा जाएगा। इसको लिखा जाएगा जनाब -∞ से -1 तक ये जो है वो इंक्रीज करेगा, और फिर 6 से लेकर इन्फिनिटी तक इंक्रीज करेगा। फंक्शन चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वीडियो अपलोडेड है, जो नए बच्चे हैं काइंडली एक दो रोज में देख लेंगे लाजमी, जो चीज़ नहीं समझ में आएगी मुझसे पूछेंगे। अब आ जाइए डिक्रीज पे,
तो डिक्रीज इसका उल्टा हो जाएगा, तो एक्स ग्रेटर देन सिक्स पे इंक्रीज कर रहा था, तो इसका मतलब है कि एक्स लेस देन सिक्स पे डिक्रीज करेगा, एक्स लेस देन माइनस वन पे इंक्रीज कर रहा था तो इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन माइनस वन पे इंक्रीज करेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, जनाब माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन सिक्स, तो ये इसको लिखने का तरीका है। एक और तरीका क्या है कि माइनस वन कॉमा सिक्स, इसका मतलब इस इंटरवल के दरमियान ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई है, कोई मसला है इसमें, कोई इशू? अच्छा जी, अब इसको देखिए, आवाज आ रही है ना सबको मेरी? अब इस डायग्राम में क्या हो रहा है, मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाया किसका, वही 1/3 एक्स क्यूब माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 का। तो आप देखें आपके पास x की जो वैल्यूज थी वो क्या थी, माइनस 1 और 6 थी, यहाँ पर भी वही आई। मुझे ज़रा 2 मिनट दीजिएगा। अच्छा जी, तो अब हम कहाँ पर थे, आप देखिए कि x इक्वल टू माइनस 1 भी आ गया, x इक्वल टू 6 भी आ गया। तो अब आप देखें कि हमने जो f ऑफ माइनस 1 निकाला था वो आया यहाँ पर 4.167। तो 4.167 का मतलब क्या है, 4 होल नंबर 1/6 ये आया था जनाब, 4 होल नंबर 1/6 जो कि आया आपका 25/6। अच्छा जी, और हमारे पास जो f ऑफ 6 आया वो कितना आया, -53 आया। तो जनाब हमारे पास जो ये वैल्यू है वो क्या है, वो है मैक्सिमा, और हमारे पास जो ये वैल्यू है ये क्या है जनाब, मिनिमा। तो बात समझ में आ गई आपको कि मैक्सिमा कैसे आया, मिनिमा कैसे आया, और आपने ये भी देख लिया कि माइनस वन के बाद जो है भाईजन क्या हो रहा है, ये हो रहा है डिक्रीज, ठीक है, और इससे पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब मिनिमम के रेस्पेक्ट से बात करें तो इससे पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज, और इसके बाद क्या हो रहा है, इंक्रीज। सो बेसिकली बात हमें ये समझ में आनी चाहिए कि जब भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा हमारे पास, क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दो आंसर आते हैं, एक आता है एक्स वन, एक आता है एक्स टू, ठीक है। तो हमारे पास दो कंडीशन बनती हैं, एक कंडीशन बनती है ए ग्रेटर देन जीरो पे। ए ग्रेटर देन जीरो पे क्या होता है, ए ग्रेटर देन जीरो पे होता ये है कि आपके पास जो एक्स वन की वैल्यू है, एक्स वन की वैल्यू जो है वो होती है मैक्सिमम, और एक्स टू की जो वैल्यू होती है वो होती है मिनिमम। और हमेशा यहाँ पर जो x1 है वो छोटा होता है x2 से, ठीक है। अब होता क्या है जनाब, क्या आपको पता है कि मैक्सिमम के बाद क्या करेगा, डिक्रीज। तो अब अगर मैं यहाँ पे आपको डिक्रीज का बताऊं तो डिक्रीज कब कर रहा है वो, मैक्सिमम के बाद। तो x ग्रेटर देन x1 पे वो क्या कर रहा है, डिक्रीज, ठीक है, और क्या कर रहा है वो, x लेस देन x1 पे भी क्या कर रहा है, सॉरी x1 नहीं x2, क्योंकि x2 जो है मिनिमम है। तो आप डायग्राम से भी देख सकते हैं कि वो x2 से पहले क्या कर रहा है, डिक्रीज। बेसिकली ये जो है इन दिस केस ये हो गया x1, और ये जो है वो क्या हो गया, x2। तो आप डायग्राम से भी देख सकते हैं ये सारी चीजें, इंक्रीज कब कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है x1 से पहले, और इंक्रीज कब कर रहा है, x2 के बाद। अच्छा, ये सारी की सारी चीजें पलट जाएंगी, कब पलट जाएंगी, अगर a जो है वो लेस देन जीरो हो, मतलब नेगेटिव हो, तो यहां पर उल्टा हो जाएगा,
एक्स वन जो है वो छोटा हो जाएगा एक्स टू से, एक्स वन जो है वो क्या बन जाएगा, मिनिमम बन जाएगा, ठीक है जी। एक्स टू जो है वो क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा, और क्या हो जाएगा जनाब, डिक्रीज करेगा, अब उल्टा हो जाएगा कि ये एक्स लेस देन एक्स वन पे डिक्रीज करेगा और एक्स ग्रेटर देन एक्स टू पे इंक्रीज करेगा, और ये इंक्रीज कब करेगा, उल्टा हो जाएगा जनाब, एक्स ग्रेटर देन एक्स वन पे इंक्रीज करेगा और एक्स लेस देन एक्स टू पे डिक्रीज करेगा। तो खैर ये सिर्फ आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, असल जो था वो आपको ग्राफ पे भी समझ में आ जाना चाहिए था, और इससे पहले जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया उस पर भी समझ में आ जाना चाहिए था आपको। अच्छा अब कुछ और चीजें बताता हूँ। हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शन भी होंगे जो सिर्फ इंक्रीज करेंगे और सिर्फ डिक्रीज करेंगे, उस सूरत में या तो एक मैक्सिमा आएगा या एक मिनिमा आएगा, जैसे कि ये फंक्शन है हमारे पास। अब आप देखिए ये कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है, सही है, और ये कहाँ जा रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये मिनिमम है, इसमें ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम है, ये सिर्फ क्या कर रहा है डिक्रीज, ये सिर्फ क्या कर रहा है इंक्रीज, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमम। इसके अंदर मिनिमम है ही नहीं और इसके अंदर मैक्सिमम है ही नहीं। तो ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, जब आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करें और आपके पास एक ही आंसर आए, तो वो मिनिमम भी हो सकता है मैक्सिमम भी हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके पास ये एक पॉइंट है जो कि मैक्सिमम है, लेकिन आपके पास दो पॉइंट हैं जो कि क्या है, मिनिमम है। तो तरीकेकार यही होगा कि आप जब डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे, ग्रेटर देन जीरो आएगा तो मिनिमम, लेस देन जीरो आएगा तो मैक्सिमम, ठीक है जी। तो ये सारी बातें क्लियर हैं आपको, समझ में आ गई ये बात, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।